नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromanigru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं हमारे इस विशेष एपिसोड एग्रो वॉच। एग्रो वॉच कृषि जिंसों की तेजी और मंदी, एग्रो कमोडिटीज के अंदर चाहे वो चर सरसों हो, चना हो, सोयाबीन हो, या फिर हल्दी या फिर जीरा, इन पर सटीक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से विश्लेषण आपको इस एपिसोड में मिलेगा। दोस्तों, पसंद आए तो इस प्रोग्राम को और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर भेजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। आज 24 जून सन 2021 गुरुवार यानी थर्सडे। कृषि जीन्स, बुलियन, मेटल एवं स्टॉक मार्केट पर हमारा पूर्व आकलन एवं विश्लेषण सत्य साबित हुआ। सोने एवं चांदी पर भी हमारा पूर्व विश्लेषण सत्य साबित होता देखा गया। कल हमने सोने के ऊपर निचले स्तरों पर बाइंग की सलाह दी थी, जो कि ज़बरदस्त मुनाफा क्लाइंट्स ने कमाया, लगभग 300 रुपये पर ग्राम पर। इसके अतिरिक्त तांबे यानी कॉपर के अंदर 711-712 के निचले स्तर पर हमने बाइंग की सलाह दी थी और कल कॉपर में 729.50 रुपये का ऊपरी स्तर देखा गया। तो दोस्तों, कल सोने एवं कॉपर यानी तांबे के अंदर हमारी पूर्व भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको याद होगा हमने 15,900 की निफ्टी लेवल को टच होने में आपको शंका जताई थी और ऐसा ही कुछ हुआ। बाजार ने ऊपरी स्तर से ज़बरदस्त नीचे का रुख दिखाया और हमारा अनुमान सत्य साबित हुआ और जो स्टॉक्स हमने आपको बात किए थे वो भी बहुत अच्छी मूवमेंट पर बंद हुए। आज क्या संभावना बनेगी? दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रचलन सदियों से हमारे देश में रहा है। एग्रोजीन्स हो या बुलियन या फिर मेटल या फिर स्टॉक्स मार्केट का उतार चढ़ाव का सटीक अनुमान फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लगाया जा सकता है और इसका लगभग पिछले 22 वर्षों से देश के विभिन्न बिजनेस टीवी चैनल्स एवं न्यूज़पेपर्स पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का श्रेष्ठता का डंका हमने बजा के रखा है और इसकी विजय पताका हमने लगभग सभी बिजनेस टीवी चैनल और न्यूज़पेपर्स पर इसकी विजय पताका भी फहराई है। दोस्तों, भारतीय फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भारत की उन रहस्यमय विद्याओं में से एक है जो आपको लंबे, मध्यम और अल्प अवधि के विश्लेषण में काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होती देखी गई है। आप भी यदि सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। क्लासेस सैटरडे एंड संडे, दो दिन में से कोई एक दिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी अवश्य देखें। इससे पहले हम आगे चलें, आज की ग्रह स्थिति। चंद्रमा आज धनु राशि में यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में विचरण कर रहे हैं। सूर्य मिथुन राशि में है, बुध एवं राहु वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि में है, मंगल एवं शुक्र कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं, गुरु कुंभ राशि में वक्र अवस्था में है और शनि मकर राशि के अंदर वक्री अवस्था में है, केतु वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि में विचरण कर रहे हैं। एग्रो वॉच, आज सोया तेल एवं सोयाबीन में कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन क्या ये कमजोरी जारी रहेगी या फिर कन्वर्ट होगी बड़ी तेजी में? सोया ऑयल और सरसों ऑयल के मिल्स ऑनर एवं फिजिकल यानी हाजिर में काम करने वाले स्टॉकिस्ट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अग्रिम अनुमान सोयाबीन, सरसों एवं CPO यानी क्रूड पाम ऑयल के विशेष उतार चढ़ाव के लिए। याद रखिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अभी तक सत्य साबित होती देखी गई है। आपको याद होगा हमने मई के महीने में सरसों एवं सोयाबीन में बड़ी तेजी की बात कही थी और अक्षत ऐसा सत्य साबित होता देखा गया, लेकिन जून महीने के अनुमान दिया था कि सरसों, सोयाबीन एवं CPO के अंदर यानी ऑयल सीड्स के अंदर गिरावट की संभावनाएँ बनेंगी। ऐसा ही कुछ बाजारों में होता देखा गया। उसके बाद थोड़ा बाउंस बैक है, तो ये उतार चढ़ाव निश्चित रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास के आधार पर है। श्वास लेनी भी पड़ती है और श्वास छोड़नी भी पड़ती है। उतार चढ़ाव बाजार का और व्यापार का
एक नियमित फैशन है, नियमित रुख है। इसमें कब तेजी होगी और कब मंदी होगी, इसका सटीक विश्लेषण फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लगाया जाना संभव है, जिसका लाइव एग्जांपल हम आपको लगभग हर दिन देते हैं। आज कपास खली में भी कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बड़ी खबर। भारत में हाजिर बाजार में पीला मटर एवं कपास के अंदर मजबूती देखी गई। कॉटन के अंदर कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी देखी गई। कमजोर मांग से सोयाबीन के अंदर कमजोरी दर्ज हुई। गवार, गम एवं मूंग में भी गिरावट भारतीय बाजारों में देखी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 महीने और मुफ्त खाद्यान्न आवंटन की केंद्र सरकार ने दी है। 50% कपास उत्पादक क्षेत्रों होगी जलवायु परिवर्तन की वजह से परेशानी सन 2040 तक। ग्लोबल स्टडी के मुताबिक जलवर्तन के अंदर टेम्परेचर्स के अंदर के परिवर्तन के अंदर असामयिक कम या ज़्यादा बरसात की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग के जरिए कपास के उत्पादन क्षेत्रों में, जिसमें भारत भी शामिल है, इसमें लगातार कमी की संभावनाएं दर्ज हो रही हैं। रिफाइंड सोया में भी कल गिरावट दर्ज हुई। कल कॉपर में 712 का निचला स्तर देखा गया, वहां से जबरदस्त बाउंस बैक हुआ और लगभग 729.40 रुपये का MCX के ऊपर तेजी दर्ज हुई, जिसका अग्रिम अनुमान हमने प्रातःकाल ही दिया था। कल सोने एवं चांदी में भी बढ़त के साथ कारोबार होता देखा गया। शेयर बाजार की जोरदार तेजी वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम का काम है, ये कहना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय विशेषज्ञ का। कमोडिटी वॉच, कल सोने चांदी तांबा सोयाबीन में सोना चांदी तांबा के अंदर मजबूती दर्ज हुई, जिसका अग्रिम अनुमान हमने आपको पिछले प्रोग्राम में दिया था। याद रखिए, सोने चांदी में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अक्सर सत्य साबित होती है। स्टॉक वॉच, आज शेयर बाजार मजबूती के साथ खुल सकते हैं। कल हमने निफ्टी को 15,900 का स्तर पार करना मुश्किल नजर आ रहा है, ऐसा आपको अग्रिम भविष्यवाणी की थी, जो कि सत्य साबित हुई। शेयर बाजार में कल तेजी के साथ कारोबार हुआ, उसके बाद ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखी गई और जो स्टॉक्स तेजी दिखा रहे थे उसमें गिरावट भी देखी गई, ऐसा हमने आपको अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। आज आप बाटा इंडिया पर नज़र रख सकते हैं, रेडिको खेतान पर भी आप नज़र रखनी उचित रहेगी। इसके अतिरिक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टॉक्स TCS इन्फोसिस के ऊपर भी नज़र रखना उचित रहेगा। इसके अतिरिक्त लार्सन एंड टोर्बो पर भी नज़र रखनी उचित रहेगी और फाइनेंशियल फील्ड के अंदर बजाज फाइनेंस के ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी, इसमें तेजी की संभावनाएं बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, रिलायंस की AGM एनुअल जनरल मीटिंग भी आज प्रायोजित हो रही है, जो लगभग 2 बजे से शुरू होगी। अब बड़ा सवाल ये है, क्या रिलायंस की AGM मार्केट में बूस्ट या उसका सेंटीमेंट बढ़ा सकेगी या नहीं, ये एक अहम सवाल है। जो भी दर्शक इसको सुन रहे हैं वो अपना मत, अपना विश्लेषण या अपना यस और नो के बीच में आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। हमारा अनुमान है कि रिलायंस की AGM के बाद बाजारों के अंदर एक बार तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो लगभग 20-22 वर्षों से लगातार कंडक्ट हो रहा है, आप भी उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।